ख्याल से ये इसीलिए जेलस भी है। तो पता है ये चाहती है कि तुमसे दोस्ती खत्म करके इसके साथ रिलेशनशिप ना। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, तू बच्चा क्या हो गया? हाँ बेटे यहाँ से, मुझे मारेगा, हैं? मुझे मारेगा, छोडूंगा नहीं मैं तुझे। क्या हुआ? तो किसने कहा था प्रटेंड करने को? तो डैड के वक्त हमारा बिजनेस एवरेज था कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास, किसी के साथ काम करने का वक्त नहीं है, बहुत काम है ना हमारे पास। Enough, Zohaib. न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। ब्रेकफास्ट बनवा दिया है, खाना होगा तो सलमा को बुला लीजिएगा। डैड कैसे हैं? ठीक हैं, अपने रूम में हैं। ओके। आपको याद है ना कि कल क्या हुआ था घर में? कैसे भूल सकता? भूलना भी नहीं चाहिए। असद भाई की वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो दोबारा ना, इसके लिए आपको कंपनी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना तो वकार अंकल जिस तरह से भरोसा करते हैं उन पर, मुझे तो लगता है हम हाथ मलते रह जाएंगे और वो कंपनी पे कब्जा कर लेंगे। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बिजनेस संभालने के काबिल नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे भरोसा है आप पर, और मैं ये भी जानती हूँ कि बिजनेस को लेकर आप कितना डेडिकेट है। बात सिर्फ इतनी है, बाकियों को सब वही नजर आता है जो दिखाया जाता है। आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं कंपनी में जितनी असद भाई करते हैं। पता, इट ब्रेक्स माय हार्ट। अफसोस होता है मुझे ये सोच के कि जिंदगी भर मैंने असद भाई जैसे शख्स को अपना आइडियल माना, हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला उनके साथ। फिर चाहे भाई आपके कदमों के नीचे से जमीन खींच लें। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ जुहेब, लोगों को रंग बदलते देखा है। और पहले बात और थी, वकार अंकल खुद बिजनेस संभालते थे और अब जो नफा नुकसान की बात होती है असद भाई खुद ही हैंडल कर लेते हैं। आपसे क्यों नहीं कहते कि आप भी अपना फैसला रखें, आप भी अपनी राय बताएं उन्हें? आप भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं ना, आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जो बाप अपनी औलाद के लिए सोचता है ना, वो कोई और नहीं सोच सकता, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। आगे आपकी मर्जी है। क्या हुआ सरमत के अबू? सरमत के अबू की बहुत तबीयत खराब है, कल रात से हॉस्पिटल में सरमत के अबू। उसके बाद तो मिलने जाना है ना उसे? हाँ मिलने जाना है। क्या हुआ सरमत को? एक्चुअली सरमत को तो कुछ नहीं हुआ, उसके फादर की तबीयत बहुत खराब है, कल रात से वो हॉस्पिटल में है। और डॉक्टर्स भी कुछ होपफुल नहीं, बहुत परेशान है कल रात से। पहले दो क्लासेस लेके जाएंगे उसके पास। अच्छा तो कौन से हॉस्पिटल में उसके डैड? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल जी। अभी हम कल जाते हैं उनसे मिलने के लिए। वैसे अम्मा आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए बेटा कि मुझे शक है कि हमने नरगिस की बात के ऊपर ओवर रिएक्ट किया है, कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या हो गया अम्मा?
उन्होंने जो कुछ कहा वो तुमने अपने कानों से सुना था? खुद सुना था तुमने क्या कि उसने ये कहा कि मुझे तुम्हें होटल में ठहराना चाहिए? मैंने सुना या नहीं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उन्होंने ये बातें की थी तभी उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। मैं नहीं मानती नरगिस ने ये बात कही, मैं मान ही नहीं सकती। अच्छा, एंड हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट हर? बेटा जब इंसान से कोई गलती हो जाती है ना तो वो दिल में फांस की तरह से चुभती रहती है, तो मुझे लग रहा है कि नरगिस से इस तरह से सबके सामने माफी मंगवा कर बहुत गलत हो गया, सही नहीं हुआ। मेरी प्यारी अम्मा, क्योंकि आपका दिल साफ है इसीलिए आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, सिंपल। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। हुआ कि नहीं, गलत तो नहीं कह रही ना मैं? देखो मेरे बच्चे, नरगिस मुझसे कितनी दफा कह चुकी है कि मैं उसको इस घर में लेकर आई, मैं सब लोगों की मुखालफत मोल लेके उसको सपोर्ट करती रही हूँ हमेशा, तो अब तुम ये सोचो कि वो मेरी मुखालफत में ऐसी बात क्यों कहेगी? बताओ, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? छोड़ें, जो बातें हो गई उसे खत्म करें। कल रात आप कमरे में थीं और जब मैं वापस आया तो नरगिस आंटी ने खुद मुझे खाना गर्म करके दिया और क्या और क्या? फिर वही एक्सक्यूज कर रही थी जिस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। अम्मा वैसे जो भी है, बात को इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। एनीवे, जस्ट फॉरगेट इट। आपको आशिर याद है? मेरा दोस्त, उसकी जॉब हो गई है। काफी दिनों से मुझे कॉल कर रहा था, मिलने के लिए बुला रहा था, मैं जा नहीं सका तो मैं उससे मिलकर आता हूँ। हाँ बेटे, मेरी तरह से बहुत मुबारकबाद देना उसको। ठीक है। हाँ प्लीज, ज्यादा मत सोचिए। खुदा हाफिज़। मैं अपने भाई भाभी के घर में इस तरह से मुलाजमा की तरह से काम करते देख के तुम्हारी वालदा की रूह खुश तो नहीं होती होगी ना? अब अगर तुम शादी कर लोगी तो अपने शौहर के घर में मालिकन की तरह से रहोगी उसके साथ। मगर मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से जैसी भी है, मैं समझौता कर चुकी हूँ उससे। लेके चल सर। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा कैसी तबीयत है आप? अब ठीक है। चलो थैंक गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बाबा की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पहले की तरह एक्टिव हो रहे हैं। बाबा कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि गलती सुहेब की थी। अब जो हो गया वो हो गया, अब तो ये बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। बल्कि मैं तो इनसे ये कह रही थी कि अब ऑफिस जाना शुरू करें। तुम दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस में तजर्बे की बड़ी वैल्यू होती है। और देखो ना, घर पे बैठते हैं, बोर होते हैं, तबीयत और ख़राब होती है। ऑफिस जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो अच्छा फील करेंगे। कल की जो सिचुएशन हुई, अगर ये होते तो बहुत बेहतर अंदाज से डील कर सकते थे। तुम खुद भी इन्हें बोलो ना कि ऑफिस आना जाना शुरू करें, अच्छा होगा इनके लिए। हाँ क्यों नहीं बाबा, नरगिस आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कहूँगा कि आप आज से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें, आप बेहतर फील करेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। हाँ सुनो बेटा, देखो बेटा, ये जितना भी बिजनेस हमारा है ना, ये मैंने एक दिन में नहीं बना,
इसके लिए मुझे दिन रात कई सालों तक मेहनत करनी, तब जाके ये सारा कुछ बना है। अब तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि इसे कहाँ तक लेके जाना है, इसे झगड़ों में खत्म करना है या ऊंचाई तक ले जाना। पापा, मैंने आपसे कहा ना, I'm sorry. I won't let you down. ये मेरा वादा है आपसे। नहीं है भाई एहसास, एहसास ऐसे शख्स की जो अपनी खुदगर्जी में अपनी खुशी, अपने सुकून की खातिर अपनी औलाद की हमेशा की खुशियों को खड्डे में फेंक देता है। भाई आपको शर्म नहीं आती? वो मुझे भी नहीं आएगी। ये जो आप ताने मारते फिरते ना, खिलाने पिलाने पालने के, ये हम पर कोई एहसान नहीं करते हैं। सारी दुनिया के बाप यही करते फिरते हैं, अपनी औलाद को पालते ही तो है। मुझे मारेगा तू। बच्चा क्या हो गया? आ बैठ यहां से। मुझे मारेगा है? मुझे मारेगा। उड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अच्छा मामा, ये नरगिस आंटी हैं जिनसे हमने पापा का निकाह किया है। Really? फौजिया बहन, आप हमारी नई भाभी को नजर तो नहीं लगा रही ना? इतनी खूबसूरत दुल्हन आप घर लाएंगी, नजर तो लगनी है। आमतौर पर ऐसे मौकों पर लोग नजर नहीं लगाते बल्कि रूनुमाई पेश करते हैं। ओ, अच्छा याद दिलाया आपने। ये मैं तो भूल ही गई थी, ये लें जी। हाँ भाई, ये लो। ले लो, खुशी से दे रही हैं, तुम्हारा हक है ये। हाँ, आप सच पूछो तो मेरी खुशी दोबारा हो गई है। वकार भाई तो इसके बड़े नाज़ नखरे उठाते होंगे, इतनी हसीन और खूबसूरत बीवी के आगे पीछे जरूर फिरते होंगे। अब अलीज़े मुझे बता रही थी कि तलाक याफ्ता है। अब क्या वजह थी तुम्हारे तलाक होने की? अलीज़े ने अगर आपको इतना सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता दिया होगा कि खैर, बहरहाल रुनुमाई देते वक्त इस किस्म के सवालात कुछ मुनासिब तो नहीं लगते मेरे ख्याल से। अलीज़े बेटा, मम्मी की खातिर मुदारात नहीं करोगी? जाओ सलमा से कहो कि कुछ लेकर आए। हाँ, मीठा ज़रूर कहना उसे लेकर आए, इनका मुँह जो मीठा कराना है। जी ऑफ कोर्स, मिठाई तो मैं ज़रूर खाऊंगी। भाई हुसना बहन, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया के वकार भाई की शादी एक तलाक याफ्ता से कराती। वो कहते हैं ना कि बीवी अपने मरे हुए पहले शौहर को कभी नहीं भूलती, जबकि एक तलाक याफ्ता औरत जो है वो अपने पहले मियाँ से सख्त नफरत करती है। तो मेरा मतलब है दूसरे मियाँ की तो काफी वफादार होती है। आई होप आई एम राइट। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने।
वफा तो औरत की फितरत में होती है, चाहे शौहर पहला हो या दूसरा। लेकिन बाज़ औरतें इतनी बदफितरत होती हैं कि अपनी फितरत से भी बेवफाई कर जाती हैं। अरे भाई किधर है रमशा, चलो लेट्स गो इनसाइड। नाइस टू सी यू। मानन की बात का बस ऐसी ही बातें करते हैं। मैं आपसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूं जो कुछ भी मैंने आज तक किया उस सब के लिए। आप जो कुछ भी हैं मेरे बाप की बीवी हैं और आप मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी माँ की जगह समझा। झूठ, अब तुम कुछ भी कहो करो मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। अरे तुम जैसे बेशरम बेहिज इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा जिंदगी में। तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज भी मौजूद नहीं है, समझे तुम? सिर्फ इसलिए कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं इसीलिए आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी माँ की जगह समझा। बस बस करो ये ड्रामाबाजी, बहुत कर लिया मैंने तुम दोनों के लिए, अब मैं नहीं कर सकती हूं। एक काम करो ना, तुम चले जाओ, हम लोगों की जिंदगी से चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ कि नजर ना, क्योंकि अब कुछ भी तुम कहोगे करोगे मुझे यकीन नहीं आएगा तुम्हारी बातों का, समझी? समझ जाओ, अगर नहीं समझे हो तो। शान से तो वो आपा अलीजे की अम्मी चली गई हैं क्या? नहीं, मैं फजल अलीजे के कमरे में गई हूँ। सोच रही थी कुछ खास बना लूं। हाँ देख लो, कुछ कर लो। भाई ये औरत बहुत ही चालाक है, चंद ही महीने सुकून से गुजरे थे कि फिर आ गई। अब पता नहीं क्या क्या अपनी बेटी को पट्टियां पढ़ाएंगी और घर का सुकून बर्बाद कर देंगी। लेकिन अलीजे बहुत समझदार है। हाँ समझदार तो है बेटा, लेकिन फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाती है। आप परेशान ना हो, कोई भी लड़की अपने हाथ से अपना घर खराब नहीं करती। अल्लाह करे ऐसे ही हो भाई। परेशान नहीं, देखो तुम रोना तो बंद करो एटलीस्ट। और तुम्हारे डैड की तबीयत कैसे खराब हुई है? मतलब घर में सब कुछ ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ है? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे अब्बू मेरी बहन की शादी करना चाह रहे थे, वो भी अम्मी ने उकसाया था। शांजी मेरी बहन वो बहुत ही मासूम है, उसने तो कभी किसी का प्यार भी नहीं देखा। वो नहीं करना चाह रही थी शादी, उसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे, मैं क्या करता? हो गई अब्बू से बहस, अम्मी बीच में आ गई, अम्मी इतना चीखने चलने लगी, सामान फेंकने लगी, पूरे घर का सामान तोड़ दिया। मैं उसी में बीच में अब्बू की तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा तुम हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
की लड़की जो है ना जादूगरनी है, तुम्हारे देखते देखते ये तुम्हारे ससुर को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वो तो वो ऑलरेडी घर ही चुकी है। कर चुकी हो, तुम सुकून से बैठी हुई हो। मतलब ये कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और अच्छी बात है ना कि उनकी नेचर पुप्पो के सामने आ गई कि वो इस टाइप की है। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। तुम लोग कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अली से इतनी जवान और खूबसूरत लड़की, तुम्हारे ससुर से आधी उम्र की लड़की तुम घर ले आए? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब कुछ मैंने किया। आपको पता है ये सब उस महरीन और फुप्पो का किया धरा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी यही लापरवाही तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है? ओ मामा, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? ऐसा क्या हो गया है? ये लड़की जो है ना जादूगरनी है, तुम्हारे देखते देखते ये तुम्हारे ससुर को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वो तो वो ऑलरेडी घर ही चुकी है। कर चुकी हो, तुम सुकून से बैठी हुई हो। तो और क्या करूं फिर मैं? ये घर, बिजनेस, जायदाद, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ तुम्हारे ससुर के नाम है, ये तुम जानती हो ना? तो इससे क्या होता है? जो कुछ मेरे ससुर का है उसकी वारिस तो उनकी औलाद ही है ना? और अगर तुम्हारे ससुर ने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद इसके नाम कर दी, ये जो नई नवेली दुल्हन आई है, तो तुम लोग क्या करोगे? इस बारे में कुछ सोचा तुम लोगों ने? आपकी तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर कह रहे थे आप एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह। हाँ, मैं तो पहले कह रहा था हमारे अब्बा को कुछ नहीं हो सकता है, ये मामूली सी बीमारी अभी गाड़ी की है, तो फुफड़ों घर आ देते हैं। क्यों अब्बा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम तो जाओ यहां से। आपसे जितना करीबी रिश्ता इनका है ना, उससे कई ज्यादा मेरा है। तो बिलावजह कब्जा जमाना बंद करें। जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ, इनकी आंख खुल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं तो इस बात पे मुतमईन हूँ कि जब मैं घर आया तो ना रोहिल था और ना आपाती, वरना तो क्या सोचते? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शांति कहाँ है? हाँ, अपने कमरे में है। मैं सोच रहा हूँ खाने के लिए उसको बुला लूँ। मैं बुलाती हूँ। नहीं,
मुझे लगता है मैं बुलाऊंगी उसको तो अच्छा लगेगा। मैं बुलाती हूँ। यार तुझे तेरा यार का नहीं पता, उस वक्त उसकी शक्ल ना देखने वाली थी, वो जितनी इंप्रेस थी ना मुझसे। हाँ तो तुमने भी लोहा गरम देखकर चोट लगानी थी ना। अरे पागल हो गया क्या तू? अभी वो वक्त नहीं है। हाँ पर वो वक्त भी दूर नहीं जब उसे मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं देगा, कोई भी नहीं। वो तो मुझे अभी भी लगता है तुम ही उसके दिलो दिमाग पर सवार हो। हाँ गए तो तू सही रहा है, चल बात करते हैं बाद में। ओके कभी कभी ना अजीब हरकतें करते हो, इस तरह अचानक से प्लान बना के मुझे बुला लिया, तैयार भी नहीं होने दिया। अरे यार अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो फिर सरप्राइज कैसे करता? कैसा सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? थैंक यू। ये किस लिए? हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम सो सॉरी ज़ुहैब, मैं भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम भूल गई होगी इसलिए मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया और बिना बताए यहाँ पे बुला लिया। देखो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई अंडरस्टैंड कि घर की टेंशन की वजह से तुम भूल गई होगी। आई एम नॉट मैरिड यू, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज दूँ। And what a better way to do it this way. Happy anniversary. Happy anniversary. Chalo, cake kaato. Chalo. Come na. Saath milke kaate. Okay, one second. There we go, zabardast. Thank you. अब तुम्हारी बारी। मैं तो बस वहां सरमत को देखने गई थी बिकॉज वो जिस कंडीशन में उसके डैड की तबीयत इतनी खराब है, और वहां मैं सिर्फ उनको खाना देने गई थी और कुछ भी नहीं। तो तुम उसे कंसोल कर रही थी? क्यों आपको बुरा लगा है? सच बताऊं तो अच्छा भी नहीं लगा। क्यों? I'm just concerned about you. Hey. Anyway, इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। एक बात जो मुझे टीस कर रही थी सोचा कि तुमसे डायरेक्टली पूछ लूं। क्या नरगिस आंटी ने तुमसे खुद कहा था कि मुझे होटल में रुकना चाहिए? नहीं, लेकिन वो डैड से जिस तरह बात करी थी उनकी बात का तो यही मतलब था ना। मतलब तुमने खुद से अज्यूम कर ली ये बात? क्या मतलब अज्यूम कर ली? बिल्कुल नहीं, वो जिस तरह डैड से बात करी थी, उनको चीजें एक्सप्लेन करी थी, तो ऑफ कोर्स उनकी बात का यही मतलब था कि वो नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो। मतलब ये कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और अच्छी बात है ना कि उनकी नेचर पुप्पो के सामने आ गई कि वो इस टाइप की हैं। क्या अब आप इस तरह क्या देख रहे हैं मुझे? यही देख रहा हूँ कि तुम इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो। What do you mean? कोई झूठ नहीं बोला मैंने। How could you do this? तुम कैसे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो? वो आप क्यों यहाँ आई हैं? मैं आपको कुछ चाहिए मुझे बता दें, मैं किचन में ही खड़ी हूँ, क्या चाहिए आपको? चांसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर जो मैंने अभी सुना है। वो तो सिर्फ एक जोक था, मैं जोक कर रही थी।
जोक? तुम्हारे लिए ये जोक है? तुम उल्टी सीधी हरकतें करती हो बजाय उस पर शर्मिंदा होने के, बजाय माफी मांगने के तुम कहती हो ये जोक है। तुम्हें किसी दूसरे इंसान का कोई एहसास ही नहीं होता। क्या हो गया? मैं जोक ही कर रही थी, आप तो पता नहीं बात को कहां लेके जा रही हैं। नरगिस ठहर जा, रुको। नरगिस से फौरन माफी मांगो। तुमने अपनी माँ के दिल को दुखाया है। पहली बात, ये मेरी मॉम नहीं है, और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये डिजर्व करती हैं। पता नहीं क्या बात है, बड़ी सादा सी मासूम बच्ची थी ये तो। अब परेशान ना हो स्नाप, आप अभी छोटी है, वक्त इंसान को सब सिखा देता है। लेकिन मैं भी तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ नरगिस, मैं भी तो तुमसे बदगुमान हो गई थी और तुमसे सबके सामने माफी मंगवा ली मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि ये नहीं उसनापा, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, कोई भी होता तो ऐसे ही करता। माशाल्लाह कितना बड़ा दिल है तुम्हारा नरगिस, मेरा भाई बड़ा खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी बीवी मिली। मैंने कहा था ना उसनापा, इस घर में मेरा सबसे बड़ा सहारा आप हैं, और मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं करूंगी जिसे आपको दूं। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। उसको बुलाएं, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा आ जाओ। अबू को क्या हुआ? मत कहो इन्हें अबू, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे जैसा बेटा किसी को नसीब ना करे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझसे गुस्सा होंगे? रब्बा जो कुछ भी हुआ है मुझसे वो जानबूझकर नहीं हुआ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा यकीन करें, मैं
चाहे आपसे जितना भी नाराज हूं, जितने भी गिले शिकवे, मगर मेरे दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है। लफ्जों में शायद बता ना सकूं कि जो कुछ भी मुझसे गैर इरादी तौर पर हुआ है, उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ करते हैं, कुछ माफ कर। नहीं हूं ना मैं आपका अच्छा बेटा, मैंने तो दिल में तुम्हें अपनी बेटी की जगह दी थी, यही सोच के कि कुछ वक्त लगेगा लेकिन तुम एक दिन मुझे अपनी माँ की जगह समझने लगोगी। भूल थी मेरी। कैसी भूल? नहीं, क्या हुआ, कोई काम है क्या? नहीं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब कोई काम होगा तभी आपसे मिलूंगी आकर? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। चाय का मूड है तो चाय बनाओ, दोनों मिलके पीते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई दिल नहीं है। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। अंकल बड़ी जल्दी आपके साथ अटैच हो गए, अजीब बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप नजर नहीं आती तो ढूंढने लगते हैं आपको, पूछने लग जाते हैं सबसे। कोई काम है क्या, कोई जरूरत पड़ी है? इजाज अंकल के साथ हैं, बुला रहे हैं आपको। मैं देखती हूँ। हाँ जबीर, मेक श्योर के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि उसमें मेरा कितना कट। ऑब्वियसली डील अगर मेरी वजह से हुई है तो मेरा हिस्सा तो होगा ना। हाँ, बट मेक श्योर के प्रॉपरली मैनेज्ड। शानजे, तुम यहां पर हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूं। मेरा ना पूरे घर में दिल घबरा रहा था, लाइक मुझे ना किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, किसी से भी कोई बात नहीं करनी है इस घर में। अरे तुम रो रही हो, कोई बात हुई है क्या? देखो शानजे, मामा के होते हुए भी तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करती थी ना, तो अब क्यों नहीं? प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मुझे ना बस मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। और आपने पापा की दूसरी शादी क्यों करवाई है? मैंने कहाँ करवाई है उनकी दूसरी शादी, ये सब तो तुम्हारी उस महरीन भाभी का किया था रहा है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।